हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विदिशा स्किल्स। मेरा नाम है सालू पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत बेसिक सा मेकअप लुक, जो कि आप कहीं पे भी करके जा सकते हो। जहाँ आप रेगुलर जाते हो और आपको हल्का फुल्का मेकअप करना पसंद है, सो आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। बहुत हल्का, बहुत सिंपल सा मेकअप होगा, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर ले रही हूँ। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर लगाने से आपकी स्किन थोड़ी सी प्रेप हो जाती है, मतलब जो पोर्स वगैरह हैं वो बंद हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि गर्मी में मैं तो बोलूँगी कि ज़्यादा मेकअप मत करिए, बट कोई कोई कॉलेज वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको मेकअप अप्लाई करना पड़ता है और सभी करके आते हैं, इस वजह से हम भी करके जाएंगे, ऐसी सोच हो जाती है हमारी। बट एनीवे, कोई बात नहीं, हम बहुत हल्का सा मेकअप करेंगे जो आपको नज़र, मतलब आपकी स्किन अच्छी लगे और आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, ऐसा किसी को फील ना हो। चलिए, मैंने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर लिया है और आप इस प्राइमर को अगर पूरे फेस में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इनसाइड का प्राइमर बहुत अच्छा है, आपको अलग से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मॉइस्चराइज़र भी है। सो मेरा प्राइमर है जो वो ड्राई हो चुका है, मैं इसी का वेट कर रही थी। एक हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उसको हम सेटिंग स्प्रे के थ्रू गीला करेंगे। मैंने यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी नहीं लिया है, हम इसी से इसको पहले सेटिंग स्प्रे को हम थोड़ा सा निकाल देंगे एंड नाउ इससे हमारा मेकअप थोड़ा सा लंबे समय तक टिका रहेगा और अलग से हम सेटिंग स्प्रे अप्लाई नहीं करेंगे। इसको हम साइड में रख दे रहे हैं और अब मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ, एनवाइवे का कंसीलर है, इससे हमें बहुत अच्छे से कवरेज मिल जाएगी। पूरे फेस में अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत दाग वगैरह दिख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसी को मैं पूरे फेस में फैला दूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सेटिंग स्प्रे से इसको गीला कर लिया है। इससे आपको एक अच्छा सा कवरेज भी मिल जाएगा और आपको ये भी नहीं फील होगा कि आपने बहुत हैवी मेकअप कुछ किया है। सो आप देख सकते हो पूरे फेस में मेरे जो थोड़े बहुत जो दाग धब्बे वो भी दिख रहे हैं, जो कि मुझे एक नेचुरल लुक चाहिए था वही है। अभी मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, इसको मैं जो एप्लीकेटर मिलता है उसी की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। आपको ये कॉम्पैक्ट पाउडर अपने जो बैग में है उसमें रखना ही चाहिए। क्या होता है कि बार बार अगर आपको पसीना आ रहा है फेस में, आपको आपके ऑयल वाला प्रॉब्लम है कि आपको ऑयल निकल रहा है, तो आप इससे बस आप इसको निकालो और इसके एप्लीकेटर से आप इसको लगा लो। एंड अब मैं आईब्रो को फिल करूँगी। सो ये मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर लिया हुआ है। मेरे कॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको मेकअप करना ही पड़ेगा। जो लोग महिला महाविद्यालय से हैं उनको पता होगा कि वहाँ बिल्कुल सिंपल आप जा सकते हो, सारी लड़कियाँ बहुत सिंपल आती हैं और जिसको पसंद है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहाँ पे मेकअप करके जाना ही पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी इनसाइड का लाइनर। सो मैंने थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाया हुआ है। बहुत लोगों के ऊपर मोटा काजल, मोटा लाइनर बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप में से किसी के ऊपर ऐसा अच्छा लगता है तो आप इस तरह का लुक ज़रूर करिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जो पैलेट लिया है, लिप पैलेट, इसमें आप देख सकते हो कितने डिफरेंट डिफरेंट से कलर और कितने सुंदर सुंदर से कलर हैं। आप इसे कभी भी कहीं पर भी लगा के जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी ये कलर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा ऑरेंज पिंक में है तो मैं इसे ही अप्लाई करूँगी और मैं फिंगर के हेल्प से लगाऊँगी, मैं कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब ये जो मेरा जो ये बचा है ना, इसको मैं आई साइडों की जगह पे लगाऊँगी। वैसे मुझे ये काम पहले करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, हमने लाइनर लगा लिया, अब मैं ये कर रही हूँ।
तो अब मैं इसी लिपस्टिक से एज अ ब्लश इसको यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने गालों में और थोड़ा थोड़ा नाक के पास तक पूरा फैला दूँगी, जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह का ब्लश, और अच्छा भी लगता है। जैसे नेचुरल स्किन में होता है ना कि पूरे पूरा फेस रेड रेड सा हो जाता है, उस टाइप का थोड़ा सा लुक है, तो ये अच्छा लगता है देखने में। सो मैंने भी उसको इसी तरह से किया है। तो ये हो गया। अभी ये जो थोड़ा थोड़ा सा रेड लग रहा है इसको हम कॉम्पैक्ट पाउडर से ही कर लेंगे। ठीक, अब मैं इनसाइड का ये मस्कारा ले रही हूँ। तो इतना सा मेरा बेसिक सा मेकअप था, बहुत सिंपल सा। आप छोटे छोटे से कान में झुमके डाल सकते हैं, अगर आपको ये पसंद है, या आपको गोल्ड का पसंद है सो गोल्ड का डाल लीजिए। सो इस पूरे लुक को जो कंप्लीट करेगा वो है ये बिंदी। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी कलरफुल बिंदियाँ हैं, तो अगर आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है सो आप अप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज आपको ब्लैक कलर की ही बिंदी मैं बोलूँगी। अगर आप मैरिड हैं तो कोई डार्क कलर की बिंदी लगा सकते हो, ब्लैक नहीं बहुत लोग लगाते हैं, जैसे कि मैं नहीं लगाती हूँ ब्लैक कलर की बिंदी। तो मैं डार्क ब्राउन कलर की बिंदी ले रही हूँ यहाँ पे, और इसे यहाँ पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर। सो आप देख सकते हैं इस सिंपल से लुक को इस छोटी सी बिंदी ने बहुत अच्छा कर दिया है। सो मिलती हूँ मैं अपने फाइनल लुक के साथ आपको। ये रहा मेरा फाइनल लुक, एंड आई होप सो आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो उसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।